कि हमारी बेटियों को नौचरत क्या खाएंगे, जो कि यह बहुत ही अपराध है हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। 22 ब्लॉक में इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो आखिर मैं कैसे अपने बच्चों को, मैं कह रही हूँ इन दरिंदों के लिए बेटियां जनेंगे हम। देखिए नांगल जो केस हुआ है उस केस में मैं 11 दिन से वहीं पर ही हूँ नांगल में, और आज उस बच्चे का दाह संस्कार किया गया है उस केस में भी अभी सही से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नांगल केस में मुझे 10-11 दिन हो गए वहीं पर ही, मैं वहीं पर ही हूँ नांगल केस के अंदर, लेकिन अभी तक भी उस बच्चे के लिए आज उसका दाह संस्कार हो चुका है। लेकिन फिर दोबारा से हमारे त्रिलोकपुरी के 26 ब्लॉक में एक घटना फिर घटी गई है, जो कि यह बहुत ही अपराध है हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। 22 ब्लॉक में जो कि हमारे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपराध वाली बातें हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो आखिर मैं कैसे अपने बच्चों को, मैं कह रही हूँ आने वाले टाइम में हर एक महिला को बेटी जननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन दरिंदों के लिए हम बेटियाँ जनेंगे क्या, इन दरिंदों के लिए बेटियाँ जनेंगे हम कि हमारी बेटियों को नौचनोच क्या खाएंगे। मैम ऐसे एक अपने माँ से ही पैदा होते हैं जो ये काम करते हैं, ऐसे दरिंदों के लिए बेटियाँ कोई नहीं जल देगा, ऐसे दरिंदों के लिए बेटियाँ पैदा नहीं करेंगी कोई महिला। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।